नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेस में। कैसे हो सर? सभी स्वस्थ, सभी मस्त, सभी जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा विज्ञान का चौथा पाठ। चौथे पाठ का नाम है ऊष्मा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने थर्मामीटर, थर्मामीटर के प्रकार, हमने ये सारे पढ़ लिए। थर्मामीटर के तीन प्रकार होते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर और अंकिता थर्मामीटर। तो ये हमने पढ़ लिया था, तो आज हम इसके आगे वाला भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं, आपने ऊष्मा का पढ़ तो लिया है थर्मामीटर पर, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? पाठ का नाम है ऊष्मा, तो ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत जरूरी है। तो ऊष्मा सदैव है ना, ऊष्मा है वह एक गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। वह है एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। जब किसी जलते हुए चूल्हे पर एक बर्तन रखा जाता है तो वह जब किसी जलते हुए चूल्हे पर एक बर्तन रखा जाता है तो आग उस बर्तन में स्थानांतरित होता है। यानी कोई चूल्हा है आपके सामने, उसमें जब हम बर्तन रखेंगे तो वह जो बर्तन है वह गर्म हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरित हो जाएगी ऊष्मा, जिससे वह चूल्हा गर्म हो जाता है। और यदि आप उस बर्तन को उतार कर नीचे रख दोगे तो वह ऊष्मा वातावरण में चली जाएगी, हमारे वातावरण में चली जाएगी वह ऊष्मा। तो यह हो गया ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि। तो ऊष्मा की तीन विधि होती है, ऊष्मा के स्थानांतरण की तीन विधि होती है। आज हम दो के बारे में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली विधि है चालन, तो चालन में क्या होता है? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं तो उसमें का ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें स्थानांतरण चालन विधि से होता है। और ठोस पदार्थों के कण है वह गति नहीं करते, ठोस पदार्थों के कण कभी गति नहीं करते। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। तो आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पे देखो कोई ईंट है और यहाँ पे बीच में एक एल्युमिनियम की छड़ है और यहाँ पे वापस ईंट है और यहाँ पे एक मोमबत्ती लगी है, और यहाँ में हमने मोमबत्ती की मोम होती हैं उनको काट कर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से मोमबत्ती जला दी। तो जब मोमबत्ती जलेंगे तो धीरे धीरे ये सारे मोम के जो मोमबत्ती के मोम है वह सारे नीचे पड़ने लगेंगे। इस विधि को ऊष्मा की इस विधि को चालन कहते हैं, चालन। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के चालक और कुचालक। चालन विधि में है ऊष्मा के चालक और कुचालक। ऊष्मा क्या होते हैं ऊष्मा के चालक और क्या होते हैं ऊष्मा के कुचालक? तो ऊष्मा के चालक वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरित हो जाता है, उसे ऊष्मा के चालक कहते हैं। इसे आपके सामने उदाहरण है, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, बहुत सारे उदाहरण हैं। जो ठोस पदार्थ हैं यानी जो लोहे के पदार्थ हैं, ऐसे तो आप सभी को पता जो लोहे की चीज़ें हैं उन सब में उसमें वह सब ऊष्मा के चालक होगी। नेक्स्ट है ऊष्मा के कुचालक। कुचालक क्या होती है? तो ऊष्मा की कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का स्थानांतरित नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण दीजिए, इसके उदाहरण है आपके सामने प्लास्टिक है। तो आप कभी प्लास्टिक को ऐसे यहाँ पे लगा कर, मैंने उदाहरण दिया था, वहाँ लगा कर छोड़ दोगे प्लास्टिक नहीं होगा, ऐसे लकड़ी नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, तो ये सारी ऊष्मा के कुचालक हो गई। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया इसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। तो आपके सामने पेश है ऊष्मा के चालक और कुचालक के अभ्यास प्रश्न, ये इसका ही प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है ये ऊष्मा के चालक है या नहीं। पहला उदाहरण,
पहला उदाहरण यह है, यहाँ पे प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें दी गई है, क्या वह ऊष्मा के चालक है या कुचालक है? इसका उत्तर होगा यह ऊष्मा के कुचालक है, इनमें से ऊष्मा का नहीं चालित होगी। दूसरा है यहाँ पे लकड़ी दी गई है, वुड है, तो इसमें ऊष्मा का संचालन होता है या नहीं? तो इसका उत्तर भी यह भी कुचालक है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता वह कुचालक है। आपके सामने लोहे की कुछ वस्तुएं दी गई है, तो क्या यह ऊष्मा की चालक है या नहीं? तो ये ऊष्मा की चालक होती है, जो लोहे की चीज है वह ऊष्मा की चालक होती है। यहाँ पे आपके पीछे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है लोहा तांबा धातु होती है ना, जो धातु होती है वह ऊष्मा की चालक होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा के कुछ, नेक्स्ट है सोना है, यहाँ पे क्या सोना ऊष्मा का चालक है या नहीं? क्या सोना ऊष्मा का चालक है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा यह ऊष्मा का चालक नहीं है, सॉरी चालक है, क्योंकि लोहे में से ऊष्मा का स्थानांतरित हो, सॉरी सोने में से ऊष्मा का स्थानांतरित होता है, इसलिए यह ऊष्मा की चालक हो गई। नेक्स्ट है सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर यानी यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर में ऊष्मा का स्थानांतरित होती है या नहीं? इसका उत्तर होगा हाँ, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरित होती है। यहाँ पे है टायर दी गई है, टायर किसके बने होते हैं? टायर प्लास्टिक के बने होते हैं, क्या प्लास्टिक ऊष्मा का चालक है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इनमें से ऊष्मा संचालित नहीं होती। नेक्स्ट है यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में से ऊष्मा का संचालित नहीं होती, इसलिए ऊष्मा के कुचालक है। नेक्स्ट है विधि आ गई, दूसरी विधि का नाम है स्वयंवहन। तो क्या होती है स्वयंवहन, इसमें किसका स्थानांतरित होती है? तो इसका उत्तर है द्रवों और गैसों का जिससे स्थानांतरण होता है तो वह स्वयंवहन विधि के कारण होता है। स्वयंवहन विधि के कारण ही द्रव का स्थानांतरण होता है। तो स्वयंवहन ऊष्मा का स्थानांतरण की दूसरी विधि इसमें कैसे होता है? तो आपको एक घड़ा लेना है, तो उसके नीचे बर्नर रखना है आपको, और इसमें वह धातु डाल, जब वह पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, जब वह पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला ठंडा है पानी वह नीचे आएगा, धीरे धीरे ये परक्रम चलता रहेगा और पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इस विधि को स्वयंवहन विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट है हमने ये तो पढ़ लिया, पर वायु में कैसे होता है? हमने पानी में तो पढ़ लिया, पर वायु में कैसा होता है? तो आपको एक उदाहरण, आपका एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण स्वयंवहन विधि से होता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण स्वयंवहन विधि से होता है। कैसे होता है? तो आपको एक क्रियाकलाप करना है। आपको एक मोमबत्ती लेनी है, आपको एक मोमबत्ती लेनी है और अपने हाथ को एक मोमबत्ती के पार्श्व में यानी साइड में, और अपने हाथ को एक मोमबत्ती ऊपर रखना है, अपने हाथ को एक पार्श्व में रखना है और ऊपर रखना है। वहां पे एक हाथ यहाँ रखना है और ये एक हाथ यहाँ रखना है। तो आपका जल्दी हाथ गर्म कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका पार्श्व वाला हाथ है वह जल्दी गर्म नहीं होगा, ऊपर वाला है वह गर्म होगा। कैसे होगा? तो पहले जो मोमबत्ती ऊपर वाली वायु है, जो मोमबत्ती की ऊपर वाली वायु है वह मोमबत्ती के कारण गर्म होकर ऊपर रहेगी, और ऊपर हमारा हाथ है तो सबसे पहले वह वहाँ गर्म रहेगा, नहीं साइड में कम गर्म लगेगा या थोड़ी देर से गर्म लगेगा। नेक्स्ट है समुन्द्र समीर क्या होती है? इसमें यह समुन्द्र समीर, तो समुद्र के किनारे वाले तटीय क्षेत्र में दिन के समय समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। ये समुद्र के किनारे हैं, ये तटीय क्षेत्र में समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं। जो समुद्र के किनारे वाले तटीय क्षेत्र है वह समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं, यानी समुद्र से जल्दी गर्म होते हैं या पहले गर्म होते हैं। तटीय क्षेत्र के गर्म होने के कारण इसके ऊपर वाली वायु, जो तटीय क्षेत्र गर्म है इसके ऊपर वाली वायु, तटीय क्षेत्र के ऊपर वाली वायु
गर्म होकर हल्की हो जाती है। जब वायु हल्की होगी तो वह ऊपर जाएगी। जब कोई हल्की वायु है तो वह ऊपर रहेगी, जिसके कारण वह ऊपर जाने के बाद समुद्र की ओर बढ़ेगी। ये पहले वह ऊपर जाएगी फिर समुद्र की ओर हो जाएगी। और समुद्र के पास ठंडी वायु, समुद्र देश से गर्म होगा तो इसके कारण से इसके पास ठंडी वायु है, इसके लिए तटीय क्षेत्र। इसी कारण से समुद्र समीर कहते हैं। यानी ये पूरा प्रक्रम है, ये हमने जो पढ़ा है ये समुद्र समीर कहते हैं। नेक्स्ट है थल समीर। थल समीर क्या होता है? रात के समय थल समीर ठंडा होता है, यानी जो रात के समय है वह थल समय ठंडा होता है, जो तटीय क्षेत्र है वह ठंडे होते हैं। और समुद्र के ऊपर की वायु गर्म होकर चली जाती है, यानी समुद्र है ना वह गर्म रहेगा अगर रात को, थल समीर ठंडा हो जाएगा। और ठंडी वायु समुद्र की ओर बढ़ जाती है, यानी ठंडी वायु है वह समुद्र की ओर बढ़ जाती है, तो इसे थल समीर कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसे थल समीर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप उन वीडियो आप देख सकते हैं, जाकर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगी। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।